हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप किसी भी फॉर्म को, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब का हो, आपको आधार कार्ड के लिए अप्लाई करना है, वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना है, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, किसी भी फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में आपके सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। फिर आपको इंटरनेट पर जाके काफ़ी सारी अलग अलग वीडियो नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी, या फिर आपको साइबर कैफ़े में जाके अपना फॉर्म नहीं भरवाना पड़ेगा, जिसके लिए ज़्यादातर मैं देखता हूँ दिल्ली के अंदर ही लोग 100 रुपये का फॉर्म होता है जो हम लोग भरते हैं, ज़्यादातर उसके लिए 150-200 रुपये तक पे करते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ बेसिक चीज़ें नहीं पता होती। तो सिंपल सी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए अच्छी या बेहतर जानकारी के लिए। और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप न्यू हैं इस यूट्यूब चैनल पे। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये वीडियो कैसी लगी थी आपको, मतलब किस तरीके से हेल्पफुल रही। तो चलिए चलते हैं फिर अपने फॉर्म की तरफ। देखो, ये एक मैंने SSC का फॉर्म खोल रखा है, जिसको हर 3-4 महीने में 1 से 2 करोड़ लोग भरते हैं, तो काफ़ी न्यू भी होते हैं इसमें। मान लो 1% भी लोग न्यू हुए, 1 लाख यानी कि न्यू यूज़र हैं जो इस फॉर्म को भर रहे हैं। 1% का सीधा सा मतलब अगर हम 1 करोड़ लेते हैं तो सर सिंपल सी जानकारी इसमें मांगी गई है फॉर्म में। डू यू हैव आधार कार्ड? येस कर दो। आधार नंबर डाल दो, अगर नहीं है तो नो कर दो। टाइप ऑफ आईडी, मतलब किस प्रकार की आईडी आप डालना चाह रहे हैं, आईडी नंबर, नाम वगैरह, ये सारी चीज़ें आप भर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ जो आपके डॉक्यूमेंट में है, इसको भरना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। फ़ोन से भर दीजिए, किसी भी चीज़ से आप इसको भर सकते हैं। अब मान लो ये वेबसाइट आपने फ़ोन में खोली होती तो ये आपको कुछ ऐसी दिख जाती जनाब, है ना, ये कुछ इस तरीके से आती है वेबसाइट फ़ोन में आपके, तो आपको यहाँ पे ऐसे भरना होता। अभी क्या है, हमने कंप्यूटर में खोली हुई है तो ये ऐसी दिख रही है हमें बड़ी बड़ी। अब ये फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना होता है, जब भी कोई फॉर्म भरते हैं तो हमें कुछ बेसिक डिटेल्स मिलती हैं, हमेशा उन डिटेल्स को आपको नोट करना होता है, ठीक है। अब जब आपने कोई भी फॉर्म भरना भर दिया तो उसके बाद आपको जरूरत होती है सर वहाँ फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की। अब जैसे देखो, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का फॉर्म है ये, मुझे इसको भरना है, तो इन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन बता दी है, यहाँ बता दिया है कि क्या क्या फ़ोटो के साइज़ होने चाहिए, लॉगिन आईडी पासवर्ड के लिए क्या कंडीशन है। इनको एक बार पढ़ लें फॉर्म को, हर फॉर्म की, किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने से पहले इस पर टिक करा, सीधा प्रोसीड पर क्लिक करा, सर देखो सेम प्रोसीजर आ गया। व्यक्तिगत विवरण, पर्सनल डिटेल, मिस्टर हैं, मिसिज हैं आप, मिस हैं, ठीक है। अब वो आपको उसके अनुसार सेलेक्ट करने लें, मेल फीमेल जो भी हैं वो सेलेक्ट कर लो आप, जेंडर अपना, फ़ोन नंबर डाल दो, उसके बाद पासवर्ड वगैरह, और सिंपल प्रोसेस है। लास्ट में यहाँ भी आपको फ़ोटो वगैरह अपलोड करने हैं। किसी किसी फॉर्म में आपको डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, कहीं आपको लेफ्ट बार नेविगेशन सेक्शन में जाके सेलेक्ट करना पड़ेगा कि यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे कहीं लिखा होगा पे एप्लीकेशन फ़ीस, यहाँ लिखा होगा अपलोड फोटोग्राफ, वेरीफाई यूअर फॉर्म, इस तरीके से। अब देखो राजस्थान के फॉर्म निकले हुए हैं, यहाँ भी सिंपल रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस पर जाना है हमें। यहाँ पे इन्होंने कह दिया किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, सिटीजन है, उद्योग, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन, तो सर मैं तो सिंपल सिटीजन हूँ एक, यहाँ पे जाके हम क्लिक कर सकते हैं, कहीं ना कहीं ये जरूर क्लिक लेगा जन आधार एनरोलमेंट आईडी। तो इस तरीके से किसी भी फॉर्म को भरना, एक बार भरना शुरू करो सर आप, और उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट में हर जगह फ़ोटो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है फ़ोटोज़ का, आप देखो आपने अपने फ़ोन से एक फ़ोटो क्लिक करा, जैसे मान लो ये मेरा एक गंदा सा फ़ोटो पड़ा था, अब इस फ़ोटो के मजे मत लो आप, तो इस फोटो को मुझे क्लिक कर लिया मैंने। अब उन्होंने कंडीशन दी होती है, यहाँ ट्रांसपेरेंट वाइट बैकग्राउंड चाहिए, रेड ब्लू कोई भी बैकग्राउंड चाहिए उन्होंने मांग लिया, तो आपको वो बैकग्राउंड चाहिए इस इमेज का पीछे ना, ये हमें हटाना है, ये आपकी वॉल हो सकती थी कुछ भी घर का। तो अब सर आपको क्या करना है, सिंपल गूगल पर जाना और यहाँ लिखना आप रिमूव remove.bg, remove.bg जब आपने लिखा तो ये वेबसाइट ओपन हो गई है, ये वेबसाइट आपके फ़ोन में भी काम करेगी, इस तरीके से ओपन हो जाएगी फ़ोन में, ठीक है, और ये आपके कंप्यूटर में तो काम कर ही रही है आपके सामने। इस इमेज को हमने उठाना है सिंपल, गूगल क्रोम में गया मैं और यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिया, इसको कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोसेस। अब ये देखो ये इमेज का बैकग्राउंड हट गया, पर उन्होंने क्या कहा था सर इमेज का बैकग्राउंड वाइट चाहिए, तो मैं एडिट पे गया, मैंने कलर सेलेक्ट करा और यहाँ मैंने वाइट कर दिया, इमेज बैकग्राउंड क्या हो गया सर वाइट, इमेज को कर लिया मैंने डाउनलोड और ये आ गई डेस्कटॉप पे, क्लियर। सेम आपको अपने सिग्नेचर के लिए करना है सर, मान लो आपने सिग्नेचर की फ़ोटो क्लिक कर ली, ये रहे आपके, ये देखो ये तो फोटो हो गई मेरी ट्रांसपेरेंट एकदम। अब फोटो को क्रॉप भी करना होता है सर, क्योंकि किसी भी फॉर्म को भरते हैं तो इतनी बड़ी फ़ोटो नहीं चाहिए हमें लेंथ में, इसको इतना कर लेते हैं हम, ठीक है, और ये हो गई सेव। और ये जो बैकग्राउंड मैंने हटाया ना, आप इसको क्रॉप कर लें पहले, उसके बाद ही अप्लाई करें, जिससे ये ब्लरनेस जो आ रही है ना ये नहीं आएगी फिर। उसके बाद अब मान लो आपके सिग्नेचर सर ये रहे, सिग्नेचर को क्रॉप कर सकते हैं आप यहाँ से, एक और तरीका मैं अभी बताने वाला हूँ। उसके बाद आधार कार्ड है, मान लो आपने आधार कार्ड स्कैन कर लिया, ये फ्रंट हो गया ये बैक हो गया, पर आपको तो एक ही पेज पे दोनों अपलोड करने, तो आप क्या करें सर राइट क्लिक करें, एडिट,
ठीक है, फिर दूसरा भी ओपन कर लें, राइट क्लिक करें और एडिट पे क्लिक कर दें, पेंट में ओपन कर लें। एडिट का मतलब सीधी सी चीज़ ही है। अब यह आपका आधार कार्ड का फ्रंट है, तो अपने ने क्या करना है, देखो यहाँ पे आए, इसको ऐसे खींच दिया, पेज हो गया बड़ा। यहाँ पे आए, इसको करा हमने कंट्रोल ए से सेलेक्ट, कंट्रोल एक्स से कट, यहाँ पे गए और ये देखो ये मैंने यहाँ लगा दिया सिंपल उठा के। यानी कि मैंने क्या करा, मैं यहाँ आया इस वाले फॉर्म पे वापस, जो पेंट में पहली इमेज थी फ्रंट की, मैंने यहाँ कंट्रोल वी प्रेस कर दिया, जो कट करा था वो यहाँ पेस्ट हो गया सिंपल, इसका मतलब ये है। और ये इमेज आ गई, मैंने इसको वापस छोटा करा और कंट्रोल एस से कर दिया जनाब सेव। अब ये देखो ये दोनों इमेज एक ही पेज पे आ गई अपलोड करने के लिए, दोनों ये भी रेडी, सिग्नेचर रेडी। अब मान लो आपके डॉक्यूमेंट हैं क्लास 10th वगैरह का रिजल्ट, आपको ऐसे करना है। अब अगली चुनौती जो आती है सर आपके लिए, वो आती है साइज। जैसे कि मैं आपको साइज बताता हूँ क्या प्रॉब्लम आएगी साइज से रिलेटेड, इमेज एंड सिग्नेचर साइज। मान लो SSC का एग्जांपल लेते हैं, मैं ना 4 SSC, तो इमेज डायमेंशन जो SSC ने दे रखी है वो दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए और 4.7 सेंटीमीटर आपकी 4.7 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अब देखो आपको क्या करना है सर, राइट क्लिक करा, एडिट करें। हम पहले देखते हैं, हम पे यहाँ पे ये जो पेंट बॉक्स है इसमें आपको डायमेंशन के क्या ऑप्शन दिए गए हैं। तो रीसाइज पे जाएंगे आप, परसेंटेज दे रखा है और पिक्सल दे रखा है, सेंटीमीटर का ऑप्शन नहीं दे रखा। अब हमने क्या करना है, अपना ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाते हम यहाँ पे जाएंगे गूगल पे और यहाँ पे सिंपल लिखेंगे क्या, रीसाइज इमेज इन सेंटीमीटर ऑनलाइन। देख लो सारी चीज़ें ऑनलाइन है, बस आपको गूगल पर टाइप करना है। मैं आपको कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं, हर फॉर्म भरना सिखा रहा हूँ कि आप कैसे कोई भी फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो कोई फॉर्म हो। सिंपल गूगल पर सर्च करो, ये लो देखो ये रहा वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना है, अप्लाई ऑनलाइन फॉर वोटर आईडी कार्ड, ठीक है, नेशनल बोर्ड। अच्छा अब तो एक वो पूरे भारत में एक जैसा वोटर आईडी कार्ड बनाने की सर्विस हो गई है। लॉगिन रजिस्ट्रेशन पर जाएं, यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है, फिर फॉर्म 6 एक ऑप्शन आएगा उसको भर देना है। सिंपल प्रोसीजर है, हर जगह रजिस्ट्रेशन करने का, डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर एज अ न्यू यूज़र, फ़ोन नंबर डालें, कैप्चा कोड यहाँ पर सेम लिखें कैपिटल स्मॉल, ईपिक नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड और ये सारी डिटेल यहाँ पर डाल दें आप अपनी, ठीक है, सिंपल है, इजी तरीका है। मैं चाहता हूँ कि आप सारे काम खुद कर लें, आपको कहीं भागने की ज़रूरत ना हो, अपना पैसा वेस्ट क्यों करना सर। अब देखो यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया, हमें क्या चाहिए था, हमें एक वेबसाइट जो सेंटीमीटर के हिसाब से इमेज रीसाइज कर दे। अब मैंने इस इमेज को क्लिक करा यानी कि ड्रैग करा और यहाँ पे आए, हम ड्रॉप कर दिया इस वेबसाइट पे imageresizer.com। अब देखिए यहाँ पे इनने हमें ऑप्शन दे दिए पिक्सल में सेंटीमीटर, तो SSC ने क्या कहा था, बेटा तुम्हें सेंटीमीटर में आना है यहाँ पे, तो सेंटीमीटर पे क्लिक करा, कीप एक्सपेक्ट रेशियो आपको ऑफ रखना है, ठीक है, ये ऑफ ही है इसमें बाय डिफॉल्ट। अब क्या करना है हमें, इसने कहा विड्थ यानी कि जो ये वाली जो चौड़ाई है, डायमेंशन जो है, चौड़ाई जो होती है इमेज की इस तरीके से, उसको हमें 3.5 सेंटीमीटर रखना है, तो हमने यहाँ गए और यहाँ लिख दिया 3.5। अब यहाँ गए हम 4.5 सेंटीमीटर, इन्हें इसकी लंबाई कही है इमेज की हाइट 4.5 सेंटीमीटर और हमने कर दिया अप्लाई, ये हो गई हमारी इमेज सही है एकदम। अब इसका साइज है 212 KB, हमें साइज भी कम करना है, मैक्स फाइल साइज अलाउ होता है 50 KB तक लगभग, SSC का ना कितना होता है, बीस के भी बोल रहा है, तो हम मैक्स फाइल साइज कर देते हैं जनाब 20 KB, ठीक है, और हमने कर दिया इसको अप्लाई। अब हमारी फाइल 19 KB की है और ये एकदम परफेक्ट है किसके लिए, SSC की वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि इसको डाउनलोड कैसे करना है। अब ये आपकी इमेज यहाँ हो गई है रेडी, आपको सिंपल क्या करना है जनाब, डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना है और डाउनलोड इमेज को क्लिक कर देना है और ये आ गई आपकी यहाँ इमेज, साइज देखो 19.2 KB और जो साइज डायमेंशन ने मांगी थी SSC ने, वो डायमेंशन हमारी सेट हो चुकी है यहाँ पे। अब आप सिंपल इसको अपलोड कर दो। अब मान लो सर, मान के चलो आपकी, आपको यहाँ से रिसाइज कर लिया, अब आपको और साइज कम करना है, तो एक और वेबसाइट बताता हूँ मैं, इमेज सिंपल सर्च करो ऑनलाइन इमेज कंप्रेशन, ठीक है,
कंप्रेस डॉट जेपीजी इमेज आ गई, यहाँ पे जाओ इमेज ही अपलोड कर दो आप। ये वाली इमेज मैंने यहाँ जाके अपलोड कर दी, जैसे ये है, इसका साइज ज़्यादा है थोड़ा सा, मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ अपलोड करी, एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जेपीजी इमेज अलाउ है। और ये कौन सी है फॉर्मेट है, ये पीएनजी। तो पहले हमें इसका फॉर्मेट कन्वर्ट करना है, ये री जेपीजी में ये आ गई। रीसाइज 4% 5%, कितना साइज घटाना है देखो, 19 KB है, मुझे और कम करनी है, 11 KB हो गई, ये दिखा रहा है ना 11 KB सर। और सिंपल यहाँ डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है, ये डाउनलोड हो गई। और जो आपका अपलोड का ऑप्शन आएगा कहाँ पे, ये इन फॉर्म में, जो एसएससी वगैरह के फॉर्म खोल रखे हैं, आप यहाँ पे जाके अपलोड कर दो। सेम केस आपको सिग्नेचर के साइज साथ करना है, सिग्नेचर को आपको क्रॉप कर लो अपना पहले, ठीक है, ये रहा सिग्नेचर। अगर आपने विंडो 10 डाल रखी है या विंडो 8, तो सिंपल ऑप्शन आएगा आपके पास क्रॉप करने का, नहीं तो आप ऑनलाइन जाओ पेंट बॉक्स में जाके इसको क्रॉप कर लो। जैसे एडिट पे गए, अब मान लो ये इतनी बड़ी कितनी ये इमेज थी, ठीक है, और ये सम यहाँ पे प्लेस थी कहीं पे। अब आपको क्या करना था, इसको फोटो खींच के कहाँ कोने पे लाना था, तो इसको सेलेक्ट करा हमने, यहाँ पे आए। और ये मैं गाइस इतना आसान तरीका बता रहा हूँ ना, आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं, सिंपल इस लेक्चर को फॉलो करना फॉर्म भरते वक्त और काम खत्म। और खुद फॉर्म भरोगे यार, उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है एक ना, मतलब आपको आना चाहिए फॉर्म वगैरह फिल करना ना खुद, आपको इसके लिए साइबर कैफे भागने की जरूरत नहीं है इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए। और इस तरीके से फोटो अपलोड कर देना है। लास्ट में कभी भी किसी पेज का आपको प्रिंटआउट लेना होता है, मान लो मुझे इस पेज का प्रिंटआउट लेना है, मैंने फॉर्म सक्सेसफुली भर दिया, जैसे ये पेज है इसका प्रिंटआउट लेना है, तो सिंपल है, आप कंट्रोल प्लस पी P4 पावर वाला बटन अपने सिस्टम में दबाएं और ये प्रिंटआउट आ गया। फॉर्मेट क्या चाहिए, सेव एज PDF, पेजेस कस्टम, कितने पेज चाहिए मुझे, सिर्फ पहले पेज का प्रिंटआउट लेना है, मैंने एक दबा दिया, अब नीचे कोई पेज आएगा ही नहीं स्क्रॉल डाउन करने के लिए। पोर्ट्रेट मतलब लंबा पेज, लैंडस्केप मतलब ये इस तरीके से पेज का प्रिंटआउट, कैसे लेना है आप वो डिसाइड कर लेना। मोड सेटिंग में जाएं, लेटर डिफॉल्ट साइज वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं, और उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। डेस्कटॉप पर गए और ये देखो ये प्रिंट जो थी अप्लाई ऑनलाइन फॉर वोटर आईडी कार्ड, ये सेव हो गया। प्रिंटआउट दुकान पर जाकर निकलवा लो, 100 रुपये में काम हो गया। ऑनलाइन पेमेंट करने का तरीका आपको पता ही है। तो गाइज ये थे एकदम सिंपल तरीका ना, किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, अगर रही है तो मुझे कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो में कोई कमी है जो मुझे आपको लगता है कि मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए, तो वो आप कमेंट करिए, मेरे लिए वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, आपकी एक छोटी सी कमेंट और 2 सेकंड का ये काम। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे हैप्पी स्टे सेफ।